क्वेश्चन है आपका, फाइंड ए एंड बी, ए एंड बी सच दैट द नंबर्स ए 9, बी 25 फॉर्म एन एपी, फॉर्म एन एपी। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ये एपी फॉर्म कर रहा है, इट मींस एपी बना रहा है वो। तो जब ये एपी बना रहा है और हमारे पास ये सीक्वेंस दी हुई है, ए 9, बी 25, ये हमें सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो लिखेंगे सिंस गिवन सीक्वेंस, सीक्वेंस इज एन एपी, तो इसीलिए क्या होगा, 9 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 9 इज इक्वल टू 25 माइनस बी, ये होगा। ये हमारे पास इक्वेशन बनेगा क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें देखिए किसी भी दो को मैं इक्वेट करके मैं इक्वेशन बना लूंगा, एक मेरा 9 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 9 ले लो, और दूसरा या तो इन दोनों को इक्वल कर लो या इसको इसके बराबर कर दो, आपकी मर्जी। तो मैं बाद वाले दोनों करता हूँ, बी माइनस 9 25 माइनस बी, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहां पे देखिए इसको मैं सॉल्व करूंगा, तो ये वेरिएबल एक तरफ ले लो, तो उसको ले आओ माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 9, और ये 9 इधर आएगा तो वो भी माइनस 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, b इधर आएगा तो b प्लस बी इज इक्वल टू 25 और प्लस में 9। यहां पे देखिए ये माइनस कॉमन ले लो, a प्लस बी, ये हो जाएगा माइनस 18। माइनस से माइनस एलिमिनेट कर दो तो a प्लस बी आएगा हमारा 18, ठीक है। यहां पे देखिए ये 2b इज इक्वल टू 25, 5 30, ये हो जाएगा 34, और इस तरीके से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 17। अब b की वैल्यू हमारी 17 आ गई तो a क्या होगा, तो b की वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो a प्लस में 17 इज इक्वल टू 18। तो इस तरीके से a की वैल्यू हमारी 18 माइनस 17, मतलब कि a की वैल्यू हमारी 1 आ गई। तो a हमारा 1 आ गया और b हमारा 17 आ गया। तो इस तरीके से हमें ये स्टूडेंट क्वेश्चन करना था।